A very good afternoon, my lovely kids. Welcome to your today's computer class. So students, as you all know, we have started new chapter of your session. This is your first chapter of the session. So we started about introducing to the computer hardware and software. Fine. So let's get started for today's period. What are we going to do further? Okay, students. So हमने learn किया था what are hardwares. हार्डवेयर वो पार्ट होता है कंप्यूटर का जिससे आप टच एंड फील कर सकते हैं एंड उसकी कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है उनको इनपुट प्रोसेसिंग और आउटपुट. इनपुट डिवाइस जिनसे हम कंप्यूटर को इनपुट देते हैं, प्रोसेसिंग सीपीयू होता है जो कंप्यूटर में उसको प्रोसेस करता है, और आउटपुट होता है जो हमें आउटपुट्स देते हैं. ठीक है, हार्डवेयर जो मटीरियल होते हैं प्रिंटर, माउस, माइक्रोफोन, हेडफोन, कीबोर्ड, स्पीकर्स, मॉनिटर. ठीक है, और वो पार्ट भी होते हैं हार्डवेयर के जो CPU के अंदर होते हैं, मदरबोर्ड, रैम, माइक्रो प्रोसेसर, हार्ड डिस्क, SMPS, राइट. चलो, नाउ टुडे वी विल लर्न अबाउट सॉफ्टवेयर. सॉफ्टवेयर इज द सेट ऑफ प्रोग्राम इंस्ट्रक्शंस दैट टेल्स अ कंप्यूटर व्हाट टू डू. ये वो प्रोग्राम होता है जो कंप्यूटर के अंदर रन हो रहा होता है और कंप्यूटर को बताता है कि उसे क्या करना है. कॉमन पॉपुलर सॉफ्टवेयर कौन से हैं? फोटोशॉप, CS3, MS ऑफिस, विंडोज, स्टंटेक्स गेम्स, ये सारे सॉफ्टवेयर है, ये गेम का सॉफ्टवेयर है. ठीक है, हार्डवेयर कैन नॉट वर्क अलोन. सॉफ्टवेयर मेक्स द हार्डवेयर पार्ट वर्क. हार्डवेयर पार्ट तभी काम करेगा जब कंप्यूटर में कोई सॉफ्टवेयर होगा, वरना आप माउस क्लिक करते रहो, कंप्यूटर में कुछ है ही नहीं तो माउस वर्क करेगा नहीं ना. सिमिलर विथ कीबोर्ड, आप टाइप करते रहो, जब उसमें टाइपिंग ही नहीं होगी अंदर तो फिर क्या फ़ायदा है, राइट. तो अब सॉफ्टवेयर कितने तरह के होते हैं? दो तरह के, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर. एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, हैव यू नोटिस द वॉल क्लॉक एट योर होम? वॉट डज इट डू? इट डज ओनली वन थिंग, इट शोज द टाइम. सिमिलरली द एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इज अ सॉफ्टवेयर दैट हेल्प्स यू इन डूइंग सम स्पेसिफिक वर्क. एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एक स्पेसिफिक एप्लीकेशन के लिए ही बना होता है, या तो गेम के लिए, या कैलकुलेशन के लिए, या मूवी के लिए, या पेंटिंग के लिए. सिमिलरली द एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इज अ सॉफ्टवेयर that helps you in doing some specific work. कुछ specific work करने के लिए वो application का software बना होता है. For example, you use paint program to draw. Paint program सिर्फ drawing के लिए use होता है. You cannot do sums using paint. आप paint में plus minus sums नहीं कर सकते हो. To do sums आपको calculator चाहिए. अब application software के पीछे देखो, WordPad जो है writing के काम आता है, calculator calculation के, Purple Place game के काम आता है, मीडिया प्लेयर जो है मूवीज़ देखने के काम आता है, पेंटिंग जो है वो पेंटर के लिए काम आता है. इनसे आप दूसरा काम नहीं कर सकते हो. फाइन, इससे आप इसमें आप टाइम देख सकते हो? नो. ठीक है, अब ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है जो एक स्पेसिफिक एप्लीकेशन के लिए बना होता है. अब आएगा सिस्टम सॉफ्टवेयर, वो होगा तो ये एप्लीकेशन चलेंगी हमारे कंप्यूटर में, अगर कंप्यूटर में सिस्टम सॉफ्टवेयर है तो. ओके, लेट्स गो फर्दर. ओके स्टूडेंट्स, सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है? As your parents control and manages different works at your home, the system software control and manages the overall activity of a computer system. So the system software is like a manager of a computer system. क्या समझ में आया आपको? जैसे parents हमें घर पे पूरा मैनेज करते हैं ना, हम किस टाइम उठेंगे, किस टाइम खाएंगे, किस टाइम हमें क्या वर्क करना चाहिए, हमारे लिए क्या सही है क्या गलत है, वो हमें पूरा मैनेज करते हैं एज अ मैनेजर. सिमिलरली सिस्टम सॉफ्टवेयर जो है वो कंप्यूटर की सारी एक्टिविटीज़ को मैनेज करता है. जो भी कंप्यूटर पे चल रहा है वो इसलिए चल रहा है क्योंकि सिस्टम में सॉफ्टवेयर है. ठीक है, सिस्टम सॉफ्टवेयर है तभी कंप्यूटर रन होता है. सिस्टम सॉफ्टवेयर रन द एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर. मैंने कहा था ना अभी आपको, अगर मूवीज़ और गेम्स आपके फ़ोन में चल रहे हैं तो ये सिस्टम आपके फ़ोन में होगा तभी वो चीज़ चलेगी. व्हेन यू स्टार्ट यूजिंग योर कंप्यूटर, अ सॉफ्टवेयर ऑल्सो स्टार्ट्स विद इट. जैसे आप कंप्यूटर ऑन करते हो ना, उसके साथ ही कंप्यूटर अपना सिस्टम भी ऑन करता है, सॉफ्टवेयर सिस्टम. ठीक है, उसके साथ ही ऑपरेटिंग सिस्टम है, ऑपरेटिंग सिस्टम भी कहते हैं सॉफ्टवेयर को. ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम जो है ना, एग्जांपल इज सिस्टम सॉफ्टवेयर का, वो ऑन होता है. ये रहे ऑपरेटिंग सिस्टम्स, विंडोज़ 8, विंडोज़ 7, विंडोज़, ये अपडेट होते रहते. पहले विंडोज़ विस्टास था, फिर विंडोज़ XP आया, अब विंडोज़ 7 आया, विंडोज़ 8 आया, 9, 10 भी आ गए. तो ये विंडो अपडेट होते हैं, उसके हिसाब से कंप्यूटर में सारे अपडेट्स आते हैं, नए नए फीचर्स आ जाते हैं. फिर आप उसमें जो चाहे गेम प्ले करो, एक्टिविटी करो, वर्ड करो, टाइपिंग करो, कैलकुलेशन करो, जो भी आप करते हो उसके लिए कंप्यूटर में सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है. उसके बाद ही आप कोई एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर डाल सकते हो. ठीक है,
The windows in your computer is an operating system. Your operating system है, which is an example of system software. System software is very important part of our computer system. Without system software, the computer is like a car without driver. उसे चलाएगा कौन, है ना? तो operating system जो है computer को चलाता है. तो अब हम key points repeat करेंगे. A computer is also known as a computer system. A computer has two major parts, hardware and software. Both hardware and software together help the computer to work. Computer hardware जो है electronics और mechanical parts होते हैं computer के, और software जो है program होता है जो computer को बताता है क्या करना है. और software दो तरह के होते हैं, application and system software. Okay? So that's it for today's class, students. I hope आपको अभी chapter clear हुआ होगा hardware and software क्या होता है. Now your today's work is to understand the concept and practice your reading also. मैं आपको कुछ short notes भेजूंगी, वो आप write करेंगे notebook में और कुछ pictures draw करेंगे. Okay? Bye bye students. अपनी books को आप अच्छे से cover कीजिए, उसको अच्छे से decorate कीजिए and then start your work. Okay? See you in the next class. Take care and stay safe.